वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, या यू कहें क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का पार्ट 3। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद कॉन्ट्रोवर्सीज रिगार्डिंग एमरजेंसी। देखो, अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं एमरजेंसी की वजह से क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। सबसे पहली जो कॉन्ट्रोवर्सी थी वो तो ये थी कि क्या एमरजेंसी को डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत भी थी, क्या एमरजेंसी लगाने की कोई ज़रूरत थी भी क्या। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि काफ़ी सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं, काफ़ी सारे एक्सेसेस कमिट किए गए हैं। दैट मींस कि काफ़ी कुछ गलत किया है गवर्नमेंट ने एमरजेंसी के अंदर, खूब सारे टॉर्चर किए गए हैं एमरजेंसी लगने के दौरान, क्योंकि जो पावर जो गवर्नमेंट को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एमरजेंसी के अंडर, उसके अंदर सारी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है ख़त्म हो चुकी थी। इसकी वजह से बहुत सारे टॉर्चर और माल प्रैक्टिसेस और बहुत कुछ गलत हुआ था, ऐसा इस बात पे कॉन्ट्रोवर्सीज थी, वो हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा जो चीज़ था वो ये था कि हम लोगों ने एमरजेंसी से क्या सीख ली है, मतलब अब एमरजेंसी हटने के बाद फाइनली नेशन ने क्या सीखा, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद वाज एमरजेंसी नेसेसरी। अच्छा, इस पे हम पहले बढ़ें, इसके साइड वाला जो बॉक्स है शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बार बार जब वो शाह कमीशन मेन टेक्स्ट में आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको देखो, देखो क्या था कि इंदिरा गांधी जो है एमरजेंसी हटा दी गई थी, और जैसे नए वो हुए थे, चुनाव हुए थे, उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी। मई 1977 में जो जनता पार्टी गवर्नमेंट है, एक्चुअली जनता पार्टी गवर्नमेंट पावर में 1977 में आई, और मई 1977 में फाइनली उन्होंने एक कमीशन, हम यहाँ पर देखेंगे आगे किस तरह से जनता पार्टी उसमें पावर में आई, लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझो कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस हार गई थी, अगले इलेक्शन में जब एमरजेंसी के बाद हुए लोग नाराज़ हो गए थे, और उसके बाद जब जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंक्वायरी सेटअप करवाई, किसके अंडर, जस्टिस जेसी शाह के अंडर, जो कि चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जो रिटायर हो चुके थे, मतलब अब नहीं थे, वो रिटायर हो चुके थे, है ना, उनके अंडर एक इंक्वायरी सेटअप करवाई ये देखने के लिए कि क्या कुछ गलत हुआ है एमरजेंसी के दौरान। इस कमीशन ने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा किए, काफ़ी लोगों से बातचीत की जो भी इन्वॉल्व्ड थे, इंदिरा गांधी से खुद से कहा कि आप हमारी बातचीत में करो हमारे साथ। इंदिरा गांधी कमीशन के आगे आई तो सरी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कोई क्वेश्चंस के आंसर दिए नहीं थे, रिफ्यूज़ ही कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली जो भी इस कमीशन ने अपना कंक्लूजन दिया, जो भी कमीशन ने देखा कि क्या क्या गलत हुआ है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। दो इंटरिम रिपोर्ट और थर्ड और फाइनल रिपोर्ट शाह कमीशन ने सबमिट की थी इस बारे में कि क्या गलत हुआ है एमरजेंसी लगने के बाद, ये सब हम यहाँ पर मेन टेक्स्ट में भी देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वॉज एमरजेंसी नेसेसरी। देखो, एमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगी थी, एमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे लगी थी। 1975 से पहले ऐसी इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी थी, तो यानी कि बस ये सोच कहा गया था, ये बताया गया था कि देश में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हमें इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। अब यहाँ पर ये देखा गया कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मतलब अल्टीमेटली हो तो पूरे देश में हड़ताल ही रही थी ना, एजिटेशंस हो रही थी, प्रोटेस्ट्स हो रही थी, क्या ये एक सही बेस था एमरजेंसी को लगाने का, मतलब वॉज दिस द रीजन फॉर डिक्लेयरिंग एमरजेंसी। ये इस बात पे कंट्रोवर्सी हुई कि क्या जरूरत भी थी एमरजेंसी लगाने की इस बेस पे, क्योंकि हड़तालें हो रही हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि जो ओपोजिशन पार्टीज हैं, ये जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो ओपोजिशन होता है, जो
दूसरी पार्टीज होती हैं, उनको कम से कम जो हम गवर्नमेंट है उसको इतना तो अलाउ करना चाहिए कि हम अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्न कर सकें. मतलब कि ओपोजिशन हम लोगों को जो गवर्नमेंट में रहने की और गवर्न करने की, कंट्री को चलाने का वो दे ही नहीं रही थी, स्पेस दे ही नहीं रही थी. बार बार हड़तालें, प्रोटेस्ट्स कर रही थी, जो कि सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए. इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने कहा कि जो ओपोजिशन है वो इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर सकता गवर्नमेंट को हर वक्त टारगेट करने की और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, प्रोटेस्ट वगैरह करने की, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो ध्यान है हम लोग गवर्न कर नहीं पाएंगे, हम पूरे देश को चला नहीं पाएंगे, और हम लोगों ने जो सोचा है, हमारी जो पॉलिसीज है डेवलपमेंट वाली, उस पर से ध्यान हट जाएगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और सारी जो हमारा रिसोर्सेज है, जितनी भी हमारी एनर्जी है, सब लॉ और ऑर्डर को, कानूनी व्यवस्था को बनाने में निकल जाएगी. हम डेवलपमेंट के काम नहीं कर पाएंगे. उन्होंने ये कहा, मान लो, अब तुम ऐसे थोड़ा सिंपल करके समझाती हूँ तुम्हें, है ना, कि मान लो अब देश में तुम लोग हड़तालें कर रहे हो, हमें अपना सारा ध्यान वहां लगाना पड़ेगा. और मान लो हमने कोई प्रो पुअर प्रोग्राम चला रखा है, जैसे मान लो कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमने कुछ भी सोच रखा है कि हम उस पर अपना दिमाग लगाएंगे, तो हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि तुम लोग यहाँ पर हड़तालें कर रहे हो और हमें उस पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. ये गवर्नमेंट का एक व्यू था कि क्या हो रहा था देश के अंदर, इस वजह से इमरजेंसी जरूरी थी. ठीक है. और इंदिरा गांधी ने अपने लेटर में शाह कमीशन, जो कि जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की, अपने लेटर में शाह कमीशन को ये भी लिखा कि कुछ लोग थे, कुछ ऐसी फोर्सेस थी जो कि चाह रही थी कि हम अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गवर्न नहीं कर पाए, देश को नहीं चला पाए, ऐसे लोग थे और अल्टीमेटली कोशिश कर रहे थे कि मुझको पावर से हटा दिया जाए थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी कि उन तरीकों से जो कि सही नहीं है, और मुझे पावर से हटाने के लिए इन सब लोगों ने ये वाले काम किए हैं. कुछ पार्टीज जैसे कि सीपीआई थी, उन्होंने जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो कांग्रेस का साथ दिया था और ये सोचा था कि हो ना हो कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई इंडिया के बाहर रह करके किसी प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है इंडिया की यूनिटी को, इंडिया की एकता को खत्म करने के लिए, किसी चीज का षड्यंत्र चल रहा है बाहर इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा सीपीआई का सोचना था. और इस वजह से जो ये हड़तालें हो रही हैं, इस वजह से कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जरूरी है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि कुछ कुछ होना चाहिए जो इस चीज को सबको खत्म कर सके और ऑर्डर मेंटेन कर सके, एंड दैट इज नीडेड टू बी दिस. प्रोटेस्ट वगैरह बंद करने के लिए एमरजेंसी सही है. और इसके अलावा सीपीआई को ये भी लगा कि जो जयप्रकाश नारायण है, एक्चुअली वो किसके बेस पर है, वो किसके बेस पर है, वो है मिडिल क्लासेस की बेस पे. ये मिडिल क्लास लोग अपोज करते हैं कांग्रेस पार्टी की रेडिकल पॉलिसीज को. दैट मींस कि जो ये मिडिल क्लास हैं, ये लोग जेपी का साथ दे रहे हैं, जयप्रकाश नारायण का साथ दे रहे हैं, जिनको कि कांग्रेस पार्टी की ये जो पॉलिसीज हैं वो पसंद नहीं है. लेकिन इमरजेंसी के बाद सीपीआई ने सोचा कि शायद हमने इमरजेंसी को गलत समझ लिया था. मतलब ये तो जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, सीपीआई का सपोर्ट इतना कर रही थी, वो सिर्फ इमरजेंसी तक था. आफ्टर इमरजेंसी उन्हें ये लगा कि हम लोग गलत थे और ये सही नहीं था कि हमने इमरजेंसी को सपोर्ट किया, मतलब कि इमरजेंसी वॉज रॉन्ग. ओके, एमरजेंसी को लगाना गलत था. अब यहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण हैं और जो ओपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने कहा कि
अगर कि ये हम लोग डेमोक्रेसी के अंडर हैं तो हम लोगों को ये आजादी है कि हम लोग हड़तालें कर सकते हैं, मतलब हम लोग पब्लिकली प्रोटेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और दूसरी बात, हमने कोई हथियार तो उठाए नहीं थे। बिहार और गुजरात की जो हड़तालें थी वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल थी, शांत थी, और कोई हथियार हमने नहीं उठाए थे। और इसके अलावा जिन लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उन्होंने कभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जिससे जो कि देश के अगेंस्ट हो, ठीक है। इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री, जिसका ये काम होता है देश के इंटरनल सिचुएशन को देखना, उसने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि कोई देश में कोई कानूनी व्यवस्था खत्म हो रही है। मतलब एमरजेंसी तो इतनी अब्रप्टली लगा दी गई थी, एकदम से बिना किसी से पूछे अकेले इंदिरा गांधी ने लगा दी जी एमरजेंसी। बाद में कैबिनेट को भी बाद में बताया, जिसमें सारे मिनिस्टर्स होते हैं मेन मेन, उनको भी बाद में बताया इमरजेंसी लगा दी। तो होम मिनिस्ट्री ने कभी नहीं कहा कि देश की जो ये है न्याय व्यवस्था, इसमें कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर फिर ये कहा कि और अगर हमारी हड़तालें जो हैं वो लिमिट्स से बाहर भी हो गई थी, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर होती है हमको डील करने के लिए, एमरजेंसी तो लगाने की जरूरत नहीं थी। और मेन चीज जो ओपोजिशन पार्टी वो ये कहना चाहती थी कि असल में इंडिया की एकता को खतरा नहीं था, इंदिरा गांधी को खतरा था, उनकी पावर को खतरा था, क्योंकि उनकी उन्होंने अपनी पावर को बचाने के लिए यहां पर ये इमरजेंसी लगाई है। ओके, देन इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो यहां पर गवर्नमेंट ने कहा, अब यहां पर हम ये देखने वाले हैं, गवर्नमेंट का व्यू देखने वाले हैं कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, और ओपोजिशन का व्यू देखने वाले हैं। ओके, गवर्नमेंट ने कहा इमरजेंसी जरूरी थी शांत करने को देश के लिए, इमरजेंसी जरूरी थी एफिशिएंसी लाने को, देश को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एफिशिएंट बनाना, शांत करना, न्याय व्यवस्था लाना, लॉ एंड ऑर्डर लाना, और सबसे बड़ी बात गरीबों के लिए अच्छे काम करना। और इस पर्पस के लिए इंदिरा गांधी ने अनाउंस कर दिया था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसके अंडर ये था कि हम लोग लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके अलावा जो गरीब किसानों को जो पगार, जो उनको मनी मिलता है, पेमेंट मिलती है, उसको भी हम देखेंगे बढ़ सकती है या नहीं। और इसके अलावा जो बंधुआ मजदूरी है, जो बेगार है, उसको भी खत्म करेंगे, और ऐसे कई सारे बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो है वो बताए गए। अच्छा, शुरू में जब इमरजेंसी लगी थी तो अर्बन मिडिल क्लासेस खुश थे कि चलो अब देश में कुछ भला होगा, और चलो अब ये देश में जो प्रॉब्लम्स मच रही थी, जो इतना टेंशन हो रहा था और जो इतना क्योर्स मच रहा था, अब सब खत्म होगा और सब डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा इमरजेंसी से। अर्बन मिडिल क्लास शुरू में खुश, शुरू के मंथ्स की बात हो रही है यहाँ पे। बाद में तो इंदिरा गांधी ने जब नए इमरजेंसी के बाद नए इलेक्शन हुए तो इतना भयानक रिजल्ट आया कि ओपोजिशन ही जीती थी, मगर शुरू के टाइम में दे वर हैप्पी। देन पुअर और रूरल पीपल हैं, जो गरीब गांव के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, इंदिरा गांधी कुछ अच्छा ला रही हैं, इनके जो 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 प्रोग्राम है ये बड़े ही अच्छे हैं, तो चलो ये भी ठीक है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिटिक्स आए इमरजेंसी के, उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट ने जो भी प्रॉमिस किया था, ये सब सब झू सब भी कुछ भी नहीं हो पाया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये सिंपली इसने क्या किया, कुछ टॉर्चर हो रहे थे, कुछ गलत हो रहा था इमरजेंसी के अंडर, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए गवर्नमेंट ने इन प्रॉमिसेस को बढ़ चढ़ के दिखाया, जबकि ये प्रॉमिसेस कभी भी पूरे नहीं हो पाए। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशंस पर भी सवाल उठे। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है, मान लो आज मैं देश में बॉम्ब लगाने जा रही हूं, और मान लो आप कोई
कोई वो हो, कोई ऑफिशियल हो, और आपको ये पता है कि ये व्यक्ति बॉम्ब लगाने जा रहा है देश में, तो आप ये वेट नहीं करोगे कि कब बॉम्ब लग गया और कब वो फट गया। आप पहले ही मुझे शक के बिना पर अरेस्ट कर सकते हो। तो इस पर भी क्वेश्चन किया गया था, क्योंकि ऐसी कई सारी इमरजेंसी में कई सारी प्रिवेंटिव डिटेंशंस जो है वो लग गई थी। 676 लीडर्स अरेस्ट हो गए थे, 1,11,000 पीपल भी अरेस्ट हो गए थे अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। काफी सारी जो मीडिया है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, तुम्हें पता है प्रेस सेंसरशिप हुई थी, हमने पहले पढ़ा। तो जनरल मैनेजर थे जो दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन के, उनको वर्बल ऑर्डर्स मिले थे, उनको मतलब बोला गया था कि आप सारे न्यूज़पेपर प्रेसेस की इलेक्ट्रिसिटी काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि अब हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब तक हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे देते कि आप कुछ भी हमारे से पूछे बिना नहीं छाप सकते, हो सकता है तब तक वो छापने और बहुत कुछ गंदा गंदा गलत गलत फैला दें इमरजेंसी के बारे में। तो इसीलिए उनकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी, और 2-3 दिन के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी आई थी। ओके देन, या दिस वॉज द थिंग। इसके अलावा देखो क्या हो रहा था, कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट के नहीं थे, जो कि लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर रहे थे, जैसे कि संजय गांधी। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, और उनके पास वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं थे, वो गवर्नमेंट के बाहर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट को चलाया और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में घुसे रहे वो। और उनका जो रोल है डिमोलिशंस में और फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस में दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। डिमोलिशंस, जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको ऐसे जानबूझ के उनको फोर्सिबली वहाँ से हटाया गया था। फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, नसबंदी की गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की एक्सप्लोड हो रही थी, तो इस वजह से नसबंदी भी की गई थी, इस वक्त का टाइम था। टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ पर ऊपर ये पी राजन वाला मैं आपको बताऊंगी पूरा केस क्या था। तो मतलब आम जनता पे टॉर्चर किए जा रहे थे, उनको परेशान किया जा रहा था, पुलिस की कस्टडी में काफ़ी लोग मर गए थे, पुलिस ने इतना टॉर्चर किया, ऊपर पी राजन का वही केस है। और काफ़ी सारे जो गरीब लोग हैं उनको जानबूझ के हटाया गया और री एलोकेट किया गया। और नसबंदी भी लोगों की सहमति से नहीं थी, वो भी जान वो भी मतलब उससे फोर्सिबली की गई, उनकी 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 हामी के बिना, उनकी हाँ के बिना। अब पी राजन से पहले आप यहाँ पर एक और बॉक्स है, उस बॉक्स या ओके सो वो नीचे होगा। ओके सो या पी राजन का जो केस था वो ये था कि एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था इंजीनियरिंग कॉलेज केरला में, वो अचानक से गायब हो जाता है, और राजन के फादर जो हैं इमरजेंसी के टाइम पर, और राजन के फादर अलग अलग जगह पर जाते हैं कि मेरे मेरा बेटा कहाँ है, मुझे पता तो चले मतलब जिंदा भी है या नहीं या कहाँ है, और इतनी टेंशन, और कोई उनका इमरजेंसी के वक्त नहीं बताता। जैसे ही इमरजेंसी हट जाती है तो अब क्या है, कोर्ट्स वापस से एंटरटेन करने लग जाती है पिटीशन। तो उनके फादर जो है पिटीशन डालते हैं कोर्ट में कि मुझे पता चले कहाँ है बेटा। तो उससे पता चलता है कि जो वो जो राजन है उनको कैलीकट के टूरिस्ट बंगलों में ले गए थे पुलिस, और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, और इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो मर गया बच्चा। तो इस वजह से इसके बाद जो वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं, जो उस वक्त के इमरजेंसी के टाइम के होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, जो कि इस वक्त अब सीएम थे केरला के, उनको भी इस वजह से रिज़ाइन करना पड़ा था। ओके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमोलिशन इन तुर्कमेन गेट एरिया। यहाँ पर क्या है, जितनी भी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी है जो तुर्कमेन गेट के पास थी, सबको हटा दिया गया, और उन उन लोगों की नसबंदी कर दी गई जानबूझ के, उनकी हाँ भी नहीं थी, उसके बावजूद भी नसबंदी स्टरलाइजेशन उनकी कर दी जाती है। कुछ लोग स्टरलाइजेशन नसबंदी से सिर्फ ऐसे बच गए कि उन लोगों ने दूसरे लोगों को मोटिवेट कर दिया कि आप लोग नसबंदी करवा लो, और बदले में उनको क्या है, उनको जमीन का टुकड़ा भी मिल गया। तो ये सब हुआ था, ठीक है।
सो दीज वर द एक्सेसेस जो गलत चीज़ें जो लो जो जा जो फोर्स के साथ की गई थी वो ये सब था, जैसा कि शाह कमीशन ने बताया। अब यहाँ पर जो लेसन्स हमको मिलते हैं वो तीन लेसन, तीन सीख हमको मिलती है। ए, इंडिया की स्ट्रेंथ भी निकल के आई है, इंडिया की वीकनेस भी निकल के आई है हमारे लोकतंत्र की। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया को डेमोक्रेसी से दूर रखना बहुत मुश्किल है, मतलब कि एमरजेंसी लगी तो पूरा डिक्टेटरशिप आ गई थी टाइप की। मतलब हालांकि गवर्नमेंट तो तब भी कह रही थी हम लोग तो डेमोक्रेटिक उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना था इंदिरा गांधी डिक्टेटर जैसी हो गई थी। लेकिन फिर भी एमरजेंसी बहुत ही छोटे टाइम के लिए रही और इसके बाद हट गई। तो यानी कि इंडिया और डेमोक्रेसी का जन्म जन्म का नाता है, इसको दूर नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए। देखो अब क्या है, पहले सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस लिखा हुआ था, अब इसके साथ ये और जोड़ दिया गया कि अगर लोग हथियार उठाएंगे तभी उसको माना जाए इंटरनल डिस्टर्बेंस, बिना नॉन वायलेंट है तो नहीं माना जाए। और दूसरी बात, कैबिनेट जो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो खुद राइटिंग में लिख करके देंगे प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगाई जाए। इस वक्त जो इमरजेंसी लगी थी उसमें तो उनको बाद में बताया गया था कि इमरजेंसी लग गई, इंदिरा गांधी ने खुद नहीं जाकर के प्रेसिडेंट को कह दिया था। तो अब ये कह दिया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खुद लिख करके देंगे कि इमरजेंसी लगाई जाए प्रेसिडेंट को। तीसरा, इमरजेंसी ने अवेयर कर दिया था हम लोगों को सिविल लिबर्टीज के मामले में कि हमारी सिविल लिबर्टीज जो है, हमारी जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये कितना ज़रूरी है। कोर्ट ने भी एक एक्टिव रोल प्ले किया इन सिविल लिबर्टीज को बचाने में, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान वो नहीं बचा पाई थी, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन भी आई उठ करके। मगर ये तो कुछ सीख थी जो हमने ली थी। पहली सीख क्या, पहली सीख ये कि इंडिया और डेमोक्रेसी अलग अलग नहीं हो सकते। दूसरी सीख कि आर्म्ड रिबेलियन हो और जब राइटिंग में हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा, तभी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के थ्रू इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तीसरा, सिविल लिबर्टीज वाला, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक इशू ये आया कि क्या हड़तालें ना हों, और अगर हड़तालें हों तो कितनी हों, क्या लिमिट रहेगी, और क्या बैलेंस रहेगा, क्या होना चाहिए, ये एक टेंशन का इशू बन गया। दूसरा जो इशू था वो ये था, इमरजेंसी के टाइम पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कठपुतली बन गए थे गवर्नमेंट की, ठीक है। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट की कठपुतली ये अभी भी बने हुए हैं, इमरजेंसी के बाद कुछ भी नहीं बदला है। तो ये जो दो इशू थे ये भी इमरजेंसी ने उजागर किए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर मिल जाएगा। Thank you for watching it.